नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक खरे। आप देख रहे हैं चैनल दीपक खरे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप BCA की डिग्री कर सकते हैं, क्या स्कोप रहता है, ए टू जेड सारी नॉलेज आपको मैं BCA के तौर पर दूंगा, जो कि कितना स्कोप है इसका, कितने नुकसान है करोगे तो, एक्स वाई जेड जितनी भी जानकारी है मैं सारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, BCA का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि पूरा आपका कंप्यूटर से रिलेटेड होता है कोर्स। और ये 3 साल का डिग्री कोर्स होता है, हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक सेमेस्टर 6 महीने का रहता है, तो टोटल आपके 6 सेमेस्टर होते हैं, प्रत्येक साल में दो दो। और ये पूरा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के तौर पर आपको एक कंप्यूटर का सिखाया जाएगा, ये कोर्स पूरा रहता है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है BCA को ज्वाइन करने के लिए, आप इसमें 10+2 आप पास होना चाहिए, मतलब कि 12th जो इंटरमीडिएट भी बोला जाता है जिसे, वो आपका कम से कम 50% आपका पास होना चाहिए। और आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से लेकर 25 तक, मतलब कम से कम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम हो सको आपकी 25 हो, 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज होना चाहिए, आप समझ सकें, बोल सकें। और आपका जो बेसिस होता है एडमिशन का, वो 12th के मेरिट के बेस पर होगा। इसके बाद आता है एंट्रेंस एग्जाम स्ट्रेटजी, इसमें मतलब 200 150 से लेकर 200 तक के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूट के बेस पर रहता है, कोई 60 नंबर का रहता है, कोई 100 नंबर का रहता है, कोई 150 नंबर का रहता है। तो जो इसमें माइनस मार्किंग भी रहती है, 1 नंबर आपका काटा जाएगा यदि आप कोई एक क्वेश्चन गलत करते हो। और जो एग्जाम की टाइमिंग रहती है वो 2.5 घंटे की रहती है, क्वेश्चन लेकर मैक्सिमम 200 ही पूछे जाएंगे आप। पैटर्न जो आता है एग्जाम का, ये किस टाइप का रहता है, इसमें आपसे मैथ पूछा जाएगा, बेसिक जो 12th लेवल का रहेगा, 10th से 12th लेवल तक के इसमें सारे पूछे जाएंगे आपको, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर अवेयरनेस हो, चाहे वो इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंसिव हो, ये सारी आपको जो बेसिस रहेगा वो 12th के बेस पर रहेगा, मैक्सिमम 12th से हाई लेवल का नहीं आएगा इसमें। आपको फीस पे हम बात करेंगे तो हर इंस्टीट्यूट के बेस पे अलग अलग ये फीस आपसे ली जा सकती है, कोई 1 लाख में भी आपको करवा दे और कोई 6 लाख भी ले लेता है BCA करने का, तो ये चूंकि डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, यदि आप BCA कर लेते हैं तो उसके बाद जॉब आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है, आपको दोनों सेक्टर में मिल सकती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे फिर गवर्नमेंट हो। आपको जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पर आपको BSNL में, इंडियन नेवी, MTNL, एयरफोर्स, बैंक में, NTPC, BEL, कंप्यूटर फैकल्टी के तौर पर भी काम कर सकते हो आप, सेल के तौर पर सेल में भी जा सकते हो, इसरो में भी जा सकते हो, इंडियन आर्मी में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी गवर्नमेंट और जो सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर, कंप्यूटर मतलब जहाँ भी रहेगा आपके लिए स्कोप रहेगा ही रहेगा। फिर वो कहीं भी हो, चाहे वो अपने इंडिया में हो, चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, अब्रॉड में हो, तो कंप्यूटर का स्कोप कभी खत्म नहीं होने वाला है। आप आने वाले समय में कंप्यूटर का उपयोग और होगा। अपने अभी प्रधानमंत्री जो हैं वर्तमान, वो नरेंद्र मोदी जी, वो पूरा युग अपना, ये भारत पूरा कंप्यूटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हर क्षेत्र को कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं। तो ये संभावनाएं हमेशा बढ़ेंगी और ज्यादातर आगे आने वाले समय में, और इसकी मात्रा और बढ़ेगी, तो इसको कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। और भी अदर कंपनियां हैं प्राइवेट, जो कि कम BCA करने के बाद हमें जॉब प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि एसेंचर है, L&T इन्फोटेक है, TCS है, HCL है, पटनी कंप्यूटर्स है, सत्यम, पोलार है, सॉफ्टवेयर सिस्टम से जनसार है, टेक महिंद्रा है, स्पीड इन्फोटेक है, डेल, HP, NIIT टेक्नोलॉजीज, और भी बहुत सारी इंस्टीट्यूट और कंपनियां हैं जिन जहाँ से आप जॉब पा सकते। दोस्तों, BCA करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है आपको, सैलरी आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी आपने, जहां पर आप वो बताते हैं कि BCA करने के बाद आपको 20 से 30 हज़ार रुपए की आसानी से जॉब मिल जाती है। आसानी से जॉब नहीं मिलती है दोस्तों, रियलिटी में आपको बताऊं, आपको धोखे में ना रखूं तो मैं आपको बताऊं, जितना आप नॉलेज लोगे BCA करने के साथ साथ, उसकी आप उतना आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, और वही बेस करेगा कि आप कितनी आपको नॉलेज है, आपके नॉलेज के बेस पे आपको सैलरी दी जाएगी। यदि आप इंटरव्यू में 100 में से 100 क्लियर करते हो तो आपको 30 हज़ार रुपये महीने आराम से पा सकते हो, लेकिन ऐसा बहुत कम चांसेस रहता है कि जो हम पढ़ते हैं वो पूरा हमें याद रहता है। तो आप कोशिश करिएगा BCA जब भी करो, एक एक पॉइंट पूरी बारीकी से आपको नॉलेज लेके आप उसको समझ समझ के पढ़ें, ताकि जब भी आप इंटरव्यू दें तो पूरा क्लियर कर सके। कोई भी टॉपिक आप जब तक पूरा खुद को क्लियर नहीं होगा तो आप दूसरे को नहीं समझा सकते हैं। तो सैलरी आपकी डिपेंड करेगी कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है, के बेस पे आपको 15 हज़ार से लेकर 30-40 हज़ार तक आप पहुंच सकते हैं महीने की शुरुआती बेस पे। और इसकी इस पैकेज बहुत सा मिलता है, यदि आप कोई भी MNC कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपको पैकेज 50 हज़ार 60 हज़ार तक भी आप पा सकते हैं महीने का। जो पोस्ट रहती है BCA करने के बाद, कौन कौन सी पोस्ट रहती है मैं आपको बताऊं, उनको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी आप जा सकते हो,
बिजनेस डेवलपमेंट के तौर पर भी आप काम कर सकते हो। सीआरएम जैसे फुल फॉर्म होती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और हार्डवेयर नेटवर्क में भी आप पोस्ट के तौर पर काम कर सकते हो। क्वालिटी मैनेजमेंट में जा सकते हो, कॉल सेंटर में भी जा सकते हो, एमएनसी में जो भी होती है, लेक्चरर बन सकते हो, हायर स्टडीज भी कर सकते हो बीसीए करने के बाद, प्रोग्रामर भी बन सकते हो, और भी बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ, सॉफ्टवेयर टेस्टर हुआ, डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोफेशनल हुआ, प्रोजेक्ट मैनेजर हुआ, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल हुआ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हुआ, सिस्टम सिक्योरिटी ऑफिसर हुआ, ये सारे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे पोस्ट हैं। तो बतौर इन पर आप रहकर किसी भी कंपनी में काम करोगे। दोस्तों आप, मैं बात करूंगा टॉप बीसीए कॉलेज की जो इंडिया में है, जो कि एक सर्वे हुआ था शिक्षा डॉट कॉम ने किया था, ये वेबसाइट है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर पहले पर बेंगलोर का क्रिस्ट है, जिसकी 2.4 लाख है पर ईयर की फीस है, ये पर ईयर की है, ये कन्फर्म नहीं है, ये चेक करने कर सकते हो आप वेबसाइट में जाकर। और दूसरे पर क्रिस्टू जयंती कॉलेज है, केजीसी बोलते हैं जिसको, वनस्थली विद्यापीठ जयपुर में है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। फिर आप ये देख रहे हो पूरी लिस्ट दी गई है, ये सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप जाकर नॉलेज ले सकते हो। ऑनलाइन पर भी चेक कर सकते हो गूगल पर कि क्या फीस है, कितना लोकेशन कहाँ पर है इसका, और पूरा डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो बीसीए में आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहते हैं कि क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको ये डाउट रहता है तो मैं आपको क्लियर कर दूँगा। आपको जो बीसीए जब करोगे तो प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज बेसिक और एडवांस में पढ़ना पड़ेगा, नेटवर्किंग पढ़ाया जाएगा आपको, WWW भी पढ़ाया जाएगा जिसको फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, डेटा स्ट्रक्चर भी होगा आपको, एडवांस सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाएगी आपको, डेटाबेस मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। ये सारी चीज़ वो है जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के तौर पर काम करती है। तो आप इनको देखकर अभी डर डर से रहोगे कि यार ये क्या चीज़ है, पहली बार देख रहे हैं, तो डरना बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है, इतना आसान भी नहीं है। लेकिन ये होता क्या कि हमें पहला पता चल जाए कि ये ऐसा पढ़ाया जाता है तो ये तो हमसे हो नहीं पाएगा और हम बैक हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, सरल है, आपकी समझ में आएगा। तो आपको पढ़ते वक्त जब भी प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत मजा आता है इसको, कि आप खुद अपने तौर पर खुद अपनी वेबसाइट बनाओगे, उस पर नए नए फीचर्स डालोगे इनके जरिए। तो ये सारे टूल्स हैं जिसको आपको पढ़ना है बीसीए में, आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट तौर पर ये भी हैं और भी बहुत सारे हैं। आप इंटरनेट सिक्योरिटी और साइबर लॉज भी पढ़ोगे, आप RDBMS भी पढ़ोगे, ओरेकल पढ़ाया जाएगा आपको, मल्टीमीडिया सिखाया जाएगा, जावा लैंग्वेज सिखाई जाएगी आपको। तो ये पूरी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। यदि आपने इन पर बिल्कुल बारीकी तरीके से पकड़ बना ली तो आप रियल में बहुत बड़े पहुंच बना सकते हो आप बीसीए के जरिए। आपको यदि बीसीए के अलावा भी कोर्स करना है आगे जाके, कि मैं ऐसा कुछ अच्छी पोस्ट पर जाना चाहते हो, तो इसके बाद आप एमसीए कर सकते हो या एमबीए कर सकते हो, आईटी से मास्टर इन कंप्यूटर मैनेजमेंट भी कर सकते हो, मास्टर डिग्री इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कर सकते हो, जैसे MIM कहते हैं शॉर्ट में, मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कर सकते हो, जीसैट मास्टर की तैयारी कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर सकते हो कंप्यूटर एप्लीकेशन, और साथ साथ PGPC एस कर सकते हो, PGDM भी है, और ये सारे जो आप देख रहे हो आप सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हो सैप से, जो कि आजकल बहुत चल रहा है, ओरेकल का भी आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, CCNA भी बहुत फेमस है आजकल। ये बीसीए करने के बाद यदि करोगे तो इससे आपका जो पैकेज है उसमें बहुत इजाफा होगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी पूरी बीसीए की। मैं एक मेन मकसद से ये वीडियो बना रहा हूँ जो मैं अब बताऊंगा मैं आपको, बीसीए करने के साथ साथ यदि आप खुद का कुछ काम करना चाह रहे हो तो इतना स्कोप है उस एंटरप्रेन्योर, जितने भी आप देख रहे हैं यंग एज के, वो सारे कंप्यूटर से रिलेटेड ही हैं, वो सॉफ्टवेयर नया इजाद करते हैं, अपनी वेबसाइट नया इजाद कर रहे हैं और लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। आप इतनी छोटी छोटी उम्र के लड़के, अब तो आप गूगल पे सर्च करोगे यंगेस्ट सीईओ, वो अपने भारत का ही निकलेगा, पूरे वर्ल्ड में वही एक ऐसा लड़का है जो अपने इंडिया से है, उसने खुद कंप्यूटर उसके पास नहीं था, तो उसके आजू बाजू में आस पड़ोस में एक साइबर कैफे था, तो वहां पर जाकर उसने 4 घंटे वो वहीं पर नौकरी करता था और साथ ही साथ सीखता रहता था। तो जब वो वह साइबर कैफे में जाकर खुद से सीख सकता है, तो आप बीसीए जब करोगे ना, तो यदि ये पकड़ कर करोगे कि मुझे कुछ करना है, खुद अपनी खुद की कंपनी बनानी, तब यदि आप पढ़ोगे तो आप इतना बड़ा कुछ कर जाओगे कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। उसका नाम दोस्तों सुभाष गोपीनाथ है, यदि आप सर्च करोगे वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीईओ तो उसका नाम जरूर आएगा, आप देखना गूगल पर। तो उसकी जब स्टोरी पढ़ोगे तो आपको खुद लगेगा कि बीसीए कितना पावरफुल है, यदि कोई सही से ढंग से पहचान जाए बीसीए की ताकत। तो मेरे लिए तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम करो उसको, लेकिन पढ़ो, लेकिन उसे जब तक पढ़ो जब तक आप पूरी नॉलेज, आप पूरा बेसिक आप क्लियर ना कर लो, एक 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 टॉपिक आपके पूरे जहन में ना घुस जाए, तब तक पढ़ते रहो। तो दोस्तों प्लीज कोई भी कोर्स हो, ये तो बीसीए ही है, बीसीए के अलावा कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जहां सर आप पढ़ो और 30-35 हज़ार रुपए आराम से ना कमा पाओ। क्योंकि होता क्या है कि हम चूज वो करते हैं जिसमें पैसा ज्यादा होता है, ये नहीं देखते कि वो हमारे लायक भी है कि नहीं है। आपको ये भी चेक करना है, जोश जोश में गलत कदम नहीं उठा लेना है कि यार इसमें बहुत पैसा है तो क्यों ना बीसीए कर ले। बीसीए इतना टफ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको सचेत कर रहा हूं पहले से ही
कि उसे करने से पहले आप ये अंदाजा लगा लेना कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको बीसीए की पूरी नॉलेज है, और कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। ऐसे ही नॉलेजेबल और स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाए बेल आइकन को। बेल आइकन बिल्कुल फ्री है, ऐसा कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। सब्सक्राइब करोगे तो भी उसका चार्ज नहीं लगेगा। इससे होगा क्या कि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप उसे देख पाओगे, इसलिए आप उसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।